कोरोना काल में 1.5 साल से कोचिंग संस्थानों के बंद रहने के बाद प्राइवेट शिक्षक कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर भिक्षाटन किया। शिक्षकों का कहना है कि कोचिंग संस्थान बंद रहने से सभी प्राइवेट शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि हम लोगों का बिजली बिल और रूम किराया भी लग रहा है। किसी भी योजना का लाभ सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है। सरकार से मांग है कि 6 तारीख से कोचिंग संस्थानों को खोलने के निर्देश दें। वहीं पीटीए के पैट्रॉन शिक्षक आर के झा ने कहा कि हम लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है, अब सड़क पर उतरकर भीख मांगने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भागलपुर के लिए शर्म की बात है। जब शिक्षक रोड पर आ जाए, शिक्षा रोड पर आ जाए, किताब सड़क पर बिके, जूता शोरूम में बिके और भागलपुर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और भागलपुर के सारे शिक्षक रोड पर आ गए हैं, भीख मांगने की स्थिति में हैं। ये पूरे भागलपुर के लिए, अंग प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कई शिक्षक साथियों ने पिछले वर्ष जो है सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इस बार भी कई शिक्षक डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए अगर शिक्षा को बचाना है, शिक्षकों को बचाना है, तो सरकार से गुजारिश है कि आप शिक्षा को जितना जल्द हो सके आप खोलिए, नहीं तो हम लोग की स्थिति पद से पदतर होती जा रही है। हम लोग कभी भी कुछ करने की स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग 1.5 साल से सोच लीजिए, जिस आदमी का काम बंद हो, रोज बैंक वाले का फोन आता है, लोन है, लोन दीजिए, कहाँ से देंगे। रोज प्रताड़ित किए जाते हैं, रोज हर रोज जो है बैंक वाले का फोन आता है, ऑफिस से फोन आता है, कहाँ से मांगे। हम लोगों की मांग है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि सरकार विगत 3 सालों से हम लोगों के कोचिंग संस्थान पर ब्रेक लगाया हुआ है। वो स्कूल वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, कॉलेज वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, लेकिन अच्छे खासे हम लोग चेक्स भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग आखिर क्या करें, कोई चारा है नहीं, कोई कहीं से पेमेंट नहीं है हम लोगों को। आप लोग भी जानते हैं, रूम भाड़ा लग रहा है और बिजली बिल लग रही है, ना तो बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं, रूम भाड़ा माफ़ कर रहा है, ना तो कोई सबको योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन कोई योजना का लाभ नहीं दे रहा है। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से एक अनुरोध करते हैं शिक्षाटन के माध्यम से कि आप मेरी मांगों को माने और इस 6 तारीख के अनलॉक में कुछ न कुछ मेरे लिए भी प्रावधान करें। और नहीं, अगर प्रावधान नहीं होता है तो सरकार से एक और मांग है कि आप मुझे मुआवजा के तौर पर 5 लाख रुपया किसी बैंक से 0% इंटरेस्ट पर हमको दिलवा दें, ताकि हम सब व्यवस्था करें और मेरे स्टाफ जो हैं वो भी मेरे ऊपर आश्रित हैं, हम उन लोगों को भी कुछ न पूछते हैं, नहीं तो ऐसी हस्ती आ गई कि भूखे मरने की हस्ती में है सर। तो पर्चे बताइए। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, अध्यक्ष पीटीए। ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।